नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल में आपका फिर से आज एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच स्पर्श वर्ण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण, जिह्वा मूल्य, ऐसे कई टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले हम लोगों ने व्याकरण की पहली सीढ़ी के बारे में पढ़ा था और उसी में से ये टॉपिक भी है, तो पुलुत स्वर तक हमने पहले पढ़ लिया था, तो आज हम स्पर्श वर्ण से पढ़ेंगे। तो देखिए, स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो स्पर्श वर्ण को जानना आपको जरूरी है। स्पर्श वर्ण जो है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार इसमें से प्रश्न आता है कि कवर्ग जो है वो कौन सा वर्ण है, स्पर्श है, घोष है, अघोष है। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर जरूर ध्यान से देख लीजिए, स्पर्श वर्ण के अंतर्गत कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण हैं। तो इसका जो सूत्र है वो है कादयो मावशानाम स्पर्शाः। अब कवर्ग कैसे हुआ, आप कहेंगे कि ये कवर्ग है क्या? तो कवर्ग मतलब क, ख, ग, घ, यहाँ तक जो 5 वर्ण हैं ये कवर्ग हो गया। उसी प्रकार चवर्ग क्या है, तो च, छ, ज, झ, ञ, ये हो गया। इसी प्रकार टवर्ग भी है, ट, ठ, ड, ढ, ण, उसी प्रकार से तवर्ग भी है, त, थ, द, ध, ण, और उसी प्रकार से जो वो पवर्ग भी है। तो ये सब एक के साथ दूसरा जुड़ जाते हैं, तो ऐसे आप जोड़ेंगे तो एक का 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 कवर्ग एक हो गया, चवर्ग एक हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, ये 5 हो गए। 5 को कितने से गुना करेंगे, 5 से, तो कितना हो जाता है, 25। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि स्पर्श वर्ण के अंतर्गत कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के वर्ण आते हैं। इसका जो सूत्र है वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कादयो मावशानाम स्पर्शाः। अब घोष वर्ण को देखते हैं। अब घोष वर्ण देखिए, 5 वर्गों के तृतीया, चतुर्थी और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह घोष वर्ण कहलाते हैं। आप कैसे जानेंगे, 5 वर्ग तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन 5 वर्ग जो अभी हमने आपको बताया है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, उसी में से जो तीसरा वर्ण है, जैसे क, ख, ग हो गया, उसी प्रकार से चतुर्थी वर्ण जो है वो घ हो गया, उसी प्रकार से पंचम वर्ण जो है वो ङ हो गया। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा कि 5 वर्गों के तृतीया, चतुर्थी और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह, ये सब वर्ण जो है वह घोष वर्ण कहलाते हैं। आप लोग कॉपी पेंसिल लेके इसका प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए अघोष वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। अघोष वर्ण जो हैं वो कहता है कि सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा ष, ष, स को अघोष वर्ण जो है वो कहते हैं। तो अब उसी प्रकार से जो मैंने आपको वर्ग बताया है उसी में से आप देख लीजिएगा, प्रथम और द्वितीय और उसके अलावा जो है वो श, ष, स को अघोष वर्ण कहते हैं। जिह्वा मूल्य, अब जिह्वा मूल्य वाला जो है वो, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें कहता है कि क और ख से पूर्व यदि इस प्रकार का चिन्ह आएगा जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया है, इस प्रकार का चिन्ह लगे हो तो उसे आप जिह्वा मूल्य कहते हैं, ये जान लीजिए। तो इसका उदाहरण मैंने नीचे दिया है, जैसे कि देखिए, क के उस तरफ ऐसे ही स्थान दे देगा और वहाँ पर वो पूछ देगा कि जिह्वा मूल्य, उपद्मानीय, कवर्ग, अघोष क्या है, तो आप आसानी से बोल देंगे या वहाँ पर टिक लगा देंगे कि ये तो जिह्वा मूल्य वर्ण है। इस प्रकार से आपको जरूर देखना है, इसका प्रैक्टिस भी कर लेना है। तो एक बार आप, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, क और ख से पूर्व यदि ऐसा चिन्ह लगे हो तो उसे आप जिह्वा मूल्य कहते हैं, ये जान लीजिए। उपद्मानीय, अब उपद्मानीय कहता है कि प और फ से पूर्व, प और फ से पूर्व यदि इस प्रकार का चिन्ह लगता है, लगा होता है,
तो उसे उपादमानीय कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैंने लगा के दिखा दिया, पौ के पहले देखिए कैसा चिन्ह है और इधर फ के नीचे पहले कौन सा चिन्ह है। इस तरह का चिन्ह आप लोगों को दिखे तो आप समझ लीजिएगा यह है उपादमानीय वर्ण। आगे देखते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण सभी वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा य र ल व अल्पप्राण हैं। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, उसी के लिए कह रहा है कि उसी में से सभी वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा य र ल व जो है वो अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थी वर्ण तथा श श स ह ये भी महाप्राण कहलाते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको आसानी से आप पहचान लेंगे और पेपर में जो प्रश्न आएगा वो आपको पहचानने के लिए ही आएगा। अंतस्थ वर्ण कौन सा है ये भी देख लीजिए। तो अंतस्थ वर्ण जो है वो है य र ल व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से जो है ऊष्म वर्ण कौन सा है तो श श स ह ये ऊष्म वर्ण है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए आयोगवाह, आयोगवाह को भी आप लोग को देखना है कि अनुस्वार यहां पर जो है वह सर्ग हो गया है लेकिन यहां पर वैसे होगा आपका यहां पर मैं इसको ठीक कर देता हूं, ये विसर्ग होगा, विसर्ग आयोगवाह अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य उपादमानीय अनुनासिक ये आयोगवाह कहलाते हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम प्रत्याहार पे, क्योंकि प्रत्याहार से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रत्याहार से जो प्रश्न आएगा उसे आप लोग गलती तो बिल्कुल भी करके मत आइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। खास करके जो सुपर टैट है उसमें तो आने ही आने हैं। तो प्रत्याहार आचार्य पाणिनि के 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार की रचना की जाती है। प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं। अंतिम वर्ण किसी न किसी पाणिनीय सूत्र का अंतिम हल वर्ण होता है और प्रथम वर्ण उस हल वर्ण से पूर्व कहीं कहीं मौजूद रहता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको बढ़िया से एक बार समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में हो सके तो आप इसे लिख भी लीजिएगा। तो कहता है कि प्रथम वर्ण हल वर्ण नहीं होता है और प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम हल वर्ण के बीच आने वाले वर्ण प्रत्याहार में आते हैं। इसको प्रैक्टिस करके मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे हो सके तो आप लोग भी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कह रहा कि हल वर्णों को प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। अब हल वर्ण किसे कहते हैं, अभी हमने ऊपर से पढ़ते हुए नीचे तक आया है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो उसको जो है प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। हल वर्णों को प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। पाणिनि के 14 सूत्र जो हैं वह निम्नलिखित है। अब सूत्र को एक बार आप लोग जरूर जो है लिख लीजिएगा। तो अब इनका जो पहला सूत्र है वो है आपका अयउण, क्या है अयउण। दूसरा है आपका इल्ड्रिक। तीसरा है आपका एम। चौथा है आपका ए ओच। पांचवा है आपका हयवरट। उसी प्रकार से छठा है आपका लण। सातवा है आपका यम गणनम। उसी प्रकार से आठवा है आपका झभय। नौवा है घड़ दस। उसी प्रकार से दसवा है जब घड़ दस। उसी प्रकार से ग्यारह है खप छठत चटतव। उसी प्रकार से 12 है कपय। उसी प्रकार से जो है 13 है शशसर और लास्ट का जो 14 है वो ह
हल हैं। अब इसको आप लोग आराम से एक बार हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। अय उण ऋल ऋक ए औं ए औच हय वरट लण यम गणनम झभय घड़ धस जब गढ़ धस खप चटत चट तब कपय शश सर हल। आप लोग को भी पढ़ना आ जाएगा, एक बार और पढ़ देते हैं। अय उण ऋल ऋक ए औं ए औच हय वरट लण यम गणनम झभय घड़ धस जब गढ़ धस खप चटत चट तब कपय शश सर हल। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। चलिए आगे हम कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। अब जैसे देखिए माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो 14 है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम प्रत्याहार बनाना इस उदाहरण से सीखते हैं, कुछ उदाहरण जैसे अक। अब अक में देख लीजिए कौन कौन सा वर्ण आता है, अ ई ऊ ऋ ऋ। अब ये क्यों आता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम यहाँ से देखेंगे, जैसे ये 14 जो है सूत्र प्रत्याहार जिससे हम बनाएंगे, तो देखिए अ ई उ यहाँ पर जो है अ ई उ है, अय उन जो मैं आप लोगों को अभी बताया था उसी में से जो है ये लिया गया है। तो या इसमें से हम क्या लेंगे, थोड़ा सा इसको हम वो कर देते हैं। तो आप देखिए ये रहा अय उण, इसमें से जो है ण को हमने हटा दिया है और हमें क्या बनाना है, अक प्रत्याहार को बनाना है। तो अ ई उ ले लिया यहाँ से और ये ण को जो है वो हटा दिया, उसी प्रकार से ऋ ले लिया, ऋ ले लिया और क को हटा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर वही वर्ण यहाँ पर लिखा गया है कि इसका प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, तो अ ई उ ऋल ऋ। अब क प्रथम सूत्र के प्रारंभ में अ है और द्वितीय सूत्र के अंत में क है, तो इन दोनों के बीच के अक्षर अक प्रत्याहार के अंतर्गत या अंदर आते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह से देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे अच अ ई उ ल ऋ ए औ ऐ औ। अब लास्ट का च आ रहा था तो हमने उसे नहीं लिया। इसी प्रकार से इक प्रत्याहार का उदाहरण देखिए ई उ ल ऋ। इसी प्रकार से यन प्रत्याहार का उदाहरण देखिए य व र ल। इसी प्रकार से शलु का भी उदाहरण देखिए श श स ह। इसी प्रकार से जश का भी देखिए ज व ग ड द, श आगे में आ रहा है तो उसको हम हटा देंगे। तो इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्याहार बनाए जाएंगे, आप लोग इसका प्रैक्टिस तो जरूर ही कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए कई सारे प्रत्याहार है, प्रत्याहार वैसे टोटल देखा जाए तो 42 है, 42 प्रत्याहार है। तो कई बार इसका इस पर प्रश्न भी आ चुका है कि कितने प्रत्याहार हैं। तो जैसे देखिए मैंने कुछ उदाहरण जो आप लोगों को दिया है, अट अन इक इण उक एंग एच, उसके बाद है आपका खर चर झल जस हल न्याय आदि, ये 42 जो है वो प्रत्याहार है। इसमें से आप दो प्रत्याहार बना के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो आज मैं इतने तक ही रहने देता हूँ, प्रत्याहार तक ही रहने देता हूँ। आगे जो है मैं और वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें जो मैं आगे वीडियो लेकर आने वाला हूँ वो उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो होगा। मैं एक एक पॉइंट को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सीटेट एमपीटेट सुपरटेट हरियाणा टेट बिहार टेट कोई भी हो, इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा आप उसे जरूर हल कर लेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, एक नोट्स भी बनाएं। चलिए सधन्यवाद।